हाय गाइस, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मान के चलिए कि अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं देन आई एम सॉरी टू से यू कैन नेवर क्वालिफाई। ठीक है, कोई भी टॉपिक समझने के लिए उसके न्यूमेरिकल्स करना और आना इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जेई मेन्स में 2002 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करें काइनेमैटिक्स से, वन डिमेंशन में भी टू डिमेंशन में भी। पहले वन डिमेंशन का करेंगे फिर टू डिमेंशन का करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ ट्रेन व्हिच इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन चेंज नहीं, यूनिफॉर्म है। ठीक है जी, ओके। अब वो कह रहे हैं इट पासिस थ्रू अ पोल, एक पोल है यहाँ पे, ये कोई सिग्नल पोल है, इससे पास होती है। तो जब ट्रेन का ड्राइवर पास होता है तो इसके यहाँ पे कोई, अगर यहाँ से कोई देखे, मतलब यहाँ से जैसे कोई समवन इज वॉचिंग इट, तो ड्राइवर का एक्सेलरेशन यू दिखता है, ट्रेन आगे चलती जाती है, और गार्ड का एक्सेलरेशन वी दिखता है। ठीक है जी, सॉरी, दो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है विच इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। ठीक है जी, अब उसमें क्या कहानी है कि ये एक पोल है तो पोल से कोई देख रहा है, तो जब ड्राइवर निकलता है तो उसकी स्पीड यू है, और जब गार्ड निकलता है तो उसकी स्पीड वी है, और इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये हमें याद रखना है। तो वो कह रहा है कि बताओ बीच वाली बोगी की, यानी कि इस वाली बोगी की, लेट्स से, यानी कि यहाँ से एल बाई टू डिस्टेंस पे और प्रॉब यहाँ से भी एल बाई टू डिस्टेंस पे, बीच वाली बोगी की स्पीड कितनी होगी जब बोगी यहाँ आएगी, करेक्ट? हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना यार, अगर मुझे एल डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन पता होगा तो मैं उसी एक्सेलरेशन को लेके एल बाई टू डिस्टेंस से आगे ड्राइवर से पीछे की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे? अब जब ये ट्रेन पूरी यहाँ निकल जाएगी, मतलब पूरी निकल गई, तो होगा क्या कि इस ट्रेन का जो ड्राइवर होगा यहाँ पे कहीं होगा, ड्राइवर कितना एल डिस्टेंस आ गए, तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो ड्राइवर को ही देख लेता हूँ। ड्राइवर को, जब ड्राइवर यहाँ चला जाएगा या गार्ड यहाँ आ जाएगा, तो हम ये मान सकते हैं ट्रेन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेर्ड माइनस यू स्क्वेर्ड इज इक्वल टू टू ए एस, वैल्यूज रखते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एल, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहाँ से वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय टू एल, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दिस इज अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ये चेंज नहीं हो रहा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो इस एक्सेलरेशन को इस ट्रेन पर मैं पूरा अप्लाई कर सकता हूँ कहीं पर भी। मान लिया यहाँ पर ड्राइवर था, ठीक, ये मिडिल पॉइंट है, ड्राइवर की वेलोसिटी U है, इस पॉइंट की वेलोसिटी लेट्स से V बोगी है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इतना है। तो अगर इसी पे हम अप्लाई करें V बोगी स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू टू A इंटू एल बाई टू, भाई यहां से ट्रेन जब यहां L बाई टू आगे आ जाएगी तभी तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता करनी है, मुझे A की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू डाल देते हैं, तो V बोगी स्क्वेड माइनस यू स्क्वेड इज इक्वल टू टू से टू काट दो, ए इंटू एल आ गया, ए की वैल्यू है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू एल इंटू एल, एल से एल कट गया, ठीक। तो मेरे पास इसको आगे लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू बचा, ये उभर उधर चला जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो प्लस यू स्क्वायर बचा, एक में से आधा गया, हाफ बचा, दैट मीन्स वी बी स्क्वायर्ड आया मेरे पास, वी स्क्वायर्ड बाई टू प्लस यू स्क्वायर्ड बाई टू, तो आंसर हुआ मेरा रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मिडल वैगन, राइट? अगेन इट इज एक्सट्रीमली लॉजिकल एंड एक्सट्रीमली सिंपल, रटिएगा नहीं, स्टेप्स याद नहीं करिएगा, सिर्फ ये सोचिएगा कि यही चीज़ हम कहाँ और अप्लाई कर सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।